NH 547 छिंदवाड़ा नागपुर मार्ग पर महाराष्ट्र की सीमा पर विवादों को लेकर चर्चित केलवद टोल नाके पर शुक्रवार को सौसर विधायक भड़क गए। वाहन में विधायक का बोर्ड लगा होने के बावजूद उनसे आईडी कार्ड मांगने पर उन्हें गुस्सा आ गया और इसके बाद उन्होंने जमकर भड़ास भी निकाली। विधायक चौरे ने कहा कि कर्मचारी बदतमीजी से बात कर रहा था। अक्सर यहां से शिकायतें उन्हें प्राप्त होती हैं। विधायक ने कहा, जब एक प्रतिनिधि के साथ यहां के कर्मचारी ऐसे पेश आते हैं तो आम जनता के साथ इनका व्यवहार कैसा होगा। सौसर विधायक विजय चौरे ने टोल वसूली पर भी सवाल उठाए और उनका कहना था कि महज 70 किलोमीटर की दूरी पर दो टोल क्यों लगाए गए, जरा सी दूरी पर दो जगह वसूली हो रही है। आम जनता के हित के लिए वह आवाज उठाते रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। देखिए हमारे संवाददाता आतिफ खान से और विधायक के बीच हुई इस घटना को लेकर चर्चा। सर, कल जो घटना घटी है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो आपके खिलाफ है भाजपा ही, वो कह रहे हैं कि विधायक जी ने कल टोल पे कर्मचारी के साथ बदतमीजी की है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? टोल पर बदतमीजी जो है वो टोल वाले करते हैं, विधायक ऐसे नहीं उतरा होगा। जो बका है मैंने या जो बोला है वो वीडियो में साफ दिख रहा है। किसी प्रकार का कोई मैंने गलत काम नहीं किया है, लोगों के साथ लूट मची हुई है वहां पर। विधायक की गाड़ी में बोर्ड लगने के बाद में भी जो है वो पूछते हैं कि पैसे मांगने की डिमांड करते हैं। इस प्रकार की अगर जायती अगर कर रहे तो हमने गलत नहीं किया। और वहाँ दो दो टोल 60 किलोमीटर में लोगों को देना पड़ रहा है, ये लूट है सरासर। और आम लोग परेशान है और सौसर क्षेत्र वालों को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है। मरीज को सावनेर ले जाना, नागपुर ले जाना है तो 500-500 रुपए दोनों टोल पे देना पड़ रहा है। इसका हम घोर विरोध कर रहे हैं और आने वाले 2-3 दिन में हम वहाँ पर टोल नाके का घेराव करेंगे। कम से कम 100 कारें हमारी यहाँ से जाएगी और वहाँ पे NH के अधिकारी आएंगे। टोल बंद होना चाहिए, इसका हम विरोध कर रहे हैं। जी जी सर, इसकी इसकी शिकायत कुछ अधिकारियों से या संबंधित विभाग से की है आपने? नेशनल हाईवे वालों से हमने बात करी है जी। हम उनको ज्ञापन भी देने वाले हैं और हम टोल का घेराव भी करेंगे जी। सूचना देके घेराव करेंगे, कम से कम 100 गाड़ियां वहां पर जाएगी हमारे सौसर क्षेत्र से जी। लूट मची हुई है और गुंडागर्दी और दादागिरी करते हैं और वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं, एम्बुलेंस नहीं है वहाँ पर, वहाँ पर कोई शौचालय नहीं बने, वहाँ पे कोई रूल फॉलो नहीं किया जाता, लाइटिंग रात में बंद रहती है जी। ये लूट मची हुई है कुल मिला के, उसके खिलाफ में हम वो करेंगे सब जी। आप 9 भारत को समय देने के साथ धन्यवाद। ठीक, बीते शुक्रवार एक घटना सामने आई है जिसमें विधायक विजय चौरे टोल कर्मचारियों को सबक सिखाते नजर आ रहे हैं। विधायक विजय चौरे का कहना है कि केवलट टोल कर्मचारियों के द्वारा उनके साथ बदतमीजी की गई और विधायक का बोर्ड देखने के बावजूद भी उनसे उनका आई कार्ड मांगा गया। विधायक विजय चौरे सौसर से सावनेर की ओर शादी में जा रहे थे, जाते वक्त टोल नाके पर उन्हें रोककर उनके साथ बदतमीजी की गई, जिस पर विधायक भड़क उठे और उन्होंने अपने वाहन से उतरकर टोल कर्मचारियों को सबक सिखाया और स्वयं ही आम जनता की गाड़ियों को टोल से क्रॉस करवाया, जिस पर हमने इस सारे विवाद पर हमने विधायक विजय चौरे जी से बात भी की है। आगे आइए, आपको सुनाते हैं उनकी कुछ बात जो हमने उनसे चर्चा की है और उनसे सवाल किए हैं कि कल इस घटना पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी और उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस पर हमने उनसे कुछ बात की है। आइए आपको उनकी कुछ बातें सुनाते हैं।